ओम ग्रभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल आध्यात्मिक गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। आज का राशि फल लग्न फल होरा फल तिथि फल वार फल 29 सितंबर 2024 रविवार संडे द्वादशी तिथि 29, 9 और 2, 11, 2 जिनका जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए टॉप वुड बेस्ट रहेगा नो डाउट। जिनका 9, 18, 27 उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। और रविवार संडे तो संडे घात बार बनता है मेष के लिए, रविवार घात बार बनता है। और तिथि द्वादशी और द्वादशी मिथुन के लिए द्वादशी घात तिथि रहता है। और ये द्वादशी के साथ अगर सोमवार हो जाए तो दोनों थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेबल बनता है इस कंडीशन में, अदरवाइज नहीं रहता है, मतलब चलेगा। द्वादशी कर्क के लिए घात तिथि रहता है तो उनके लिए नॉट गुड रहता है। अब बात कर लेते हैं अश्विनी कृष्ण द्वादशी में आज का योग साध्य रहेगा। तिथि करण तैतल्य नक्षत्र मघा और पक्ष कृष्ण बार रविवार सूर्य उदय 6:13 सूर्यास्त 6:08 चंद्र उदय 3:55 AM चंद्रास्त 4:33 PM ऋतु शरद और चंद्र राशि सिंह का चंद्रमा शक संबत 1945 कलि संबत 5126 विक्रम संबत 2081 दिन काल 11 घंटा 55 मिनट 39 सेकंड और आज का अभिजीत 11:47 AM से लेकर 12:34 राहु काल 4:39 से लेकर 6:08 PM तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम। आज का राशि बल मिथुन सिंह तुला वृश्चिक कुंभ मीन में रहेगा। नक्षत्र बल अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद और रेवती में रहेगा। आज का लग्न फल होरा फल कन्या राइजिंग कन्या लग्न अस्त उदय सूर्य का रविवार का दिन 6:13 से लेकर 7:12 तक उग्रता दक्षिणेश्वर बहुत ज्यादा काम यहाँ पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मिसमैच एनर्जी रहेगा। उसके बाद तुला लग्न में शुक्र का होरा 7:10, 7:12 से लेकर 8:12 तक रहेगा। यहाँ पर टॉप गुड बेस्ट शुभ समय सॉलिड बेस्ट गुड खरीदो बेचो तर्पण इत्यादि करो या हर प्रकार का कार्य के लिए ये बढ़िया कंडीशन रहेगा। उसके बाद इसी लग्न में बुध का होरा 8:12 से लेकर 9:12 तक यहाँ भी सुइटेबल सपोर्ट खरीदो बेचो मस्त रहेगा। उसके बाद वृश्चिक लग्न में आप 8:12 निकाल लेना, 8:12 नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए नेगेटिव रहेगा जैसे हर दिन बोलता हूँ, जो लोग डेली देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा। चंद्रमा इसी में वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का होरा 9:12 से लेकर 10:11 सडन ड्रॉपडाउन एनर्जी ब्रेकडाउन एनर्जी बाम स्वर सफलता नहीं मिलने वाला, ना खरीदो ना बेचो, नेगेटिव इवेंट हो सकता है, कोशिश करोगे फेलियर होगे। चंद्रमा का होरा के बाद ठीक से फिर से शनि का होरा आ जाएगा 10:11 से लेकर 11:11 तक, दौड़ोगे काम के लिए बनेगा नहीं, फिर वो अरे रुक जा देख के जा रहा हूं तब तक वो आगे भाग गया, अभी देखा और अभी भाग गया और काम मिला नहीं, होते होते नहीं, ये कंडीशन यहां पर बनेगा। और उसके बाद धनु लग्न में बृहस्पति का हो रहा 11:11 से लेकर 12:11 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम चलो खरीदो बेचो बढ़िया रहेगा। उसके बाद इसी लग्न में मंगल का हो रहा 12:11 से लेकर 1:10 तक हो चुका होगा या होगा, हाथ से मोबाइल गिर जाए या कोई चीज गिर जाए, उग्रता बढ़े, टेंशन बढ़े, तनाव लगे, गाड़ी चलाते चलाते लगे एक्सीडेंट, और ये मकर के साथ थोड़ा ज्यादा होने का संभावना है। द्वादश का लग्न फिट रहा है यहाँ पर और अस्त हो रहा है उदय अस्त, लेकिन नहीं होगा कुछ, मोबाइल गिरेगा लेकिन टूटेगा नहीं, ये कंडीशन रहेगा। उसके बाद मकर लग्न में सूर्य का हो रहा 1:10 से लेके 2:10 थोड़ा सा तनाव पीड़ा और थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। उसके बाद शुक्र 2:10 से लेके 3:09 तक इसी लग्न में ही कामना वासना में वृद्धि और जैसे जनरली बोलता हूँ लाइन मारने का भागने का या ये खरीदे वो खरीदने का मन जाएगा। फिर कुंभ लग्न में बुध 9:03 से लेके 4:09 तक, उसके बाद चंद्रमा का हो रहा 4:09 से लेके 5:09 तक स्मूथ रहेगा, ज्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यात्रा इत्यादि दिखाई दे रहा है। मीन लग्न में शनि का हो रहा 5 से लेके 6 बजे तक बहुत ज्यादा नॉट गुड बहुत ज्यादा नॉट बैड। चलिए सिंह राशि और मघा नक्षत्र भोग करने वाला रहेगा, गंडमूल नक्षत्र है, गुप्त कार्य
किसी किसी का कान का रोग इस समय बढ़ सकता है, गर्दन दर्द बढ़ सकता है, सडन किसी प्रकार का नुकसान, बहुत सारा बातचीत इधर उधर बढ़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है, अशांति, चर्म रोग जिसका है एग्रेवेट कर सकता है, चिंताग्रस्त मन रह सकता है, बहुत मेहनत करोगे कम पैसा मिल सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा नॉट गुड दिखाई दे रहा है। और इस नक्षत्र का, मघा नक्षत्र का जनरल कर्म को अगर आप देखते हो तो यहाँ भी ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, दुश्मन, युद्ध, बदला लेना तो नॉट गुड रहेगा, तो एनर्जी उग्रता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मेष राशि का। पंचम चंद्रमा 12% एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस में कमी, थोड़ा परेशानी। वृषभ लग्न का चतुर्थ चंद्रमा, भय, फियर, फोबिया, 22-25 का एनर्जी जा रहा है, ज्यादा सफलता नहीं देगा, नेगेटिव ही कहा जाएगा। मिथुन के लिए तृतीय चंद्रमा 90% एनर्जी के साथ, टॉप गुड, बेस्ट, सॉलिड, मस्त। कर्क लग्न का द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार के क्षेत्र में, नेगेटिव माइनस मार्किंग 36%। सिंह राशि का 70% का गुड एनर्जी दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी आएगा, मस्त रहेगा, टॉप रहेगा, गुड रहेगा। कन्या का द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनहा, तनाव, तनसन, पीड़ा, यात्रा में परेशानी। तुला राशि का लाभ चंद्रमा 100% गुड के साथ, मस्त मस्त धन प्राप्ति का लाभ। वृश्चिक का दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग, यहाँ भी बढ़िया चंद्रमा दिख रहा है। धनु के लिए अगर बात करते हैं तो धनु के लिए यहाँ नवम चंद्रमा राहत देगा, लेकिन फिर भी परेशानी और रोग रहेगा। मकर के लिए अष्टम चंद्रमा कार्य में बाधा, 11-9 का एनर्जी जाएगा, ज्यादा सफलता नहीं, कार्मिक बाधा हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी बिल्डअप हो सकता है। पितृपक्ष चल रहा है, हम लोग का आज पूजा पाठ था, पितरों होगा तो उसको अल्लाह सुनाई देता होगा, सारे अतिथि लोग आए हैं अभी तक गए नहीं, तो मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ तो सुनाई देगा, तो डोंट पकड़िएगा मत। कुंभ वालों का अगर बात करते हैं, सप्तम चंद्रमा एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, गुड, 70-60 अप डाउन जाएगा। मीन के लिए बात करते हैं, छठा चंद्रमा आरोग्य, सफलता, मस्त रहेगा। अब अश्विनी मेष मगा सिंह मूल धनु, आपके लिए जन्म तारा 70% गुड नंबर। भरणी मेष पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, अति मित्र जोन पे रहेगा, मस्त रहेगा। कृतिका भैया, कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तर साढ़ा धनु मकर, मित्र जोन पे 100% गुड। रोणी बस हस्त कन्या स्वर्ण मकर, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा सावधान रहो। मृगशिरा बस मित्र चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा मस्त रहेगा। आदर मित्र स्वाति तुला सत विशा कुंभ, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% गुड। पुनर्वसु मिथुन कर विशा का तुला वृश्चिक कुंभ पुत्र भाद कुंभ में, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा ठीक रहेगा। पुषा का कुंभ वृश्चिक उत्तर भाद मीन, आपके लिए विपद तारा नॉट गुड रहेगा। अश्विन सकर ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन संपद तारा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।